Thank you.
Oh,
परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर अनुभव करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि प्रेम आनंद और शांति है। अभी आपका दिल को स्वस्थ बनाऊंगा, इसे परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की आनंद आपका दिल में भर जाएगा। प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मेरे दिल को आपकी प्रेम से भर दे, आपकी शांति से भर दे, आपकी आनंद से भर दे। प्रभु यीशु जैसे मुझे ना हो, यीशु जैसे मुझे ना हो, यीशु मसीह, यीशु जैसे मुझे ना हो, यीशु जैसे, यीशु जैसे। हाथों उठाइए बोलकर, ओ धन्यवाद यीशु, आपकी प्रेम से भर दे सारे बच्चों को, आपकी प्रेम से भर दे प्रभु, आपकी शांति से भर दे प्रभु, आपकी आनंद से भर दे प्रभु। दिल की गहराई से बात कर लीजिए, भर दे प्रभु, मेरा दिल को भर दे प्रभु, आपकी शांति से, आपकी प्रेम से भर दे प्रभु। मुझे ईश्वर जैसे मिलता हो, मोटा बड़ा मशक करना तो मशक
चीज छोड़कर पासवान लोग केवल यीशु मसीह को
सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपना दिल को जिंदगी को प्रभु के लिए दे दिया। ये पासवान हर एक अपना काम छोड़कर ये सारी सांसारिकता को त्याग करके सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर सके। अरे पासवान अपने स्थानों में खड़े हो जाए। अरे पासवान अपने बाहर कृपया अंतर आइए। हालेलुया। जो भी लोग बाहर हैं कृपया अंदर आ जाएंगे। एंड वी सैल्यूट यू। और हम पासवान को सैल्यूट करते हैं। वी सैल्यूट यू। हम पासवान को सैल्यूट करते हैं। वी सैल्यूट यू। हम पासवान को सैल्यूट करते हैं। कृपया बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए। थैंक यू फादर। एक बार फिर से दोस्तों पासवान। हालेलुया। अरे मुस्कुराकर मुस्कुराकर खाली हो जाइए। हालेलुया। I can see some changes on your faces. मैं आपके चेहरे में कुछ परिवर्तन देख रहा हूँ। Because the Lord has touched your heart. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके दिलों को छुआ है। And so many of your filthy thoughts already gone. और बहुत सारे आपके दिमाग के वो गलत विचार चले गए हैं। Many of you feel your mind is so fresh. बहुत वैसे आपसे बहुत सारे लोग अपने दिमाग को तरोताजा महसूस कर रहे हैं। So today we experienced a little of His presence. So आज हमने महसूस किया परमेश्वर की उपस्थिति को। But we want and God also wants this thing to continue. पर हम और परमेश्वर भी ये चाहते हैं कि ये उपस्थिति, ये महसूस होना हमेशा लगातार बना रहे। Whenever you feel to pray, run to the presence of God. Read the Bible. प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। जब भी आपको ये महसूस हो कि आपको प्रार्थना करना है, दौड़ के जाइए परमेश्वर के पास, उनकी उपस्थिति लीजिए और वचन को पढ़िए। If you are so tired, अगर आप थकान महसूस करते हैं, so sleepy, बहुत नींद आ रही है, so mind is so troubled, और माइंड में बहुत सारा समस्या आ रहा है, don't जबरदस्ती sit for prayer, जबरदस्ती प्रार्थना के लिए ना बैठे, the prayer will not come, उस समय प्रार्थना नहीं होगी, अच्छा से सो जाओ, उस समय अच्छी नींद सो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, अच्छा से जाओ। अच्छे से सो जाइए। उसके बाद get up so fresh। उसके बाद उठिएगा तरोताजा होकर। When you get up from the bed, when you get up from the bed, जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से उठते हैं। When you get up, जब आप बिस्तर से उठ जाते हैं। Sorry, he is in another world. Hallelujah. Hallelujah! Come back. We are here. when we get up from the bed, जब हम बिस्तर से उठ जाते हैं, our mind has got a wonderful rest and it is free. उस समय हमारा दिमाग बहुत ही अच्छा आराम कर चुका होता है, और हमें free महसूस होता है. Hallelujah! Our body need rest. हमारे शरीर को आराम चाहिए. Like that also, our mind need rest. उसी तरह से हमारे दिमाग को भी आराम चाहिए. So only the time we sleep, only the mind will get some rest. फिर जिस समय हम सोते हैं, सिर्फ उस समय हमारे दिमाग को आराम मिलता है। So just after you get up from the bed, जैसे ही आप उठते हैं, उसके तुरंत बाद, don't go to TV. TV देखने के लिए उसके बाद तुरंत टीवी देखने के लिए मत जाइए। Don't go to paper newspaper. Newspaper पढ़ने के लिए तुरंत मत जाइए। Don't call friends. अपने दोस्तों को फोन मत लगाइए। Don't take the mobile phone and see कितना SMS आया है रात में। अपने मोबाइल फोन को देखकर SMS चेक मत कीजिए। Hallelujah. 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 You have to switch off the mobile. उस समय अपने फोन को स्विच ऑफ कर दे, बंद कर दे। If your mobile is disturbing your prayer life. अगर आपका मोबाइल आपके प्रार्थना के जीवन को परेशान कर रहा है, रुकावट डाल रहा है। And you have to start praying that time. और उस समय आप प्रार्थना करना शुरू कर दें। Then अच्छा से वचन पढ़ो। फिर बहुत अच्छा से वचन पढ़े। Two persons came to me and said, they does not want some thoughts to come. जबरदस्ती some thoughts are, filthy thoughts are coming and attacking their mind. दो लोग मेरे पास आके मुझे ऐसा बता रहे थे कि कुछ गलत thoughts जबरदस्ती उनके दिमाग में आते हैं। Hallelujah. Hallelujah. So I told you, mind is the battlefield of devil. आपका दिमाग शैतान के लिए युद्ध का स्थान है। And God has given us mighty weapon. और परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य हथियार दिए हैं। That is the word of God. वो परमेश्वर की ओर से है। वो परमेश्वर की ओर से तोप की तरह है।
प्रभु का वचन हमारा तलवार है हमें तलवार जो परमेश्वर का वचन है दिस वर्ड इज लाइक अ गन परमेश्वर का वचन एक गन की बंदूक की तरह है इट इज लाइक अ स्वॉर्ड वो एक धार वाली तलवार की तरह है If your mind is filled with this weapon, और अगर आपका दिमाग परमेश्वर के हथियारों से भरा हुआ है, when that evil spirit comes with the filthy and ugly and all kinds of evil thoughts, जब शैतान के दुष्टात्मा अपने गंदे गंदे विचार लेकर आपके पास आएंगे, आप उन्हें तुरंत गोली मार देंगे। परमेश्वर का वचन पूरा filthy thoughts को टिश्यू करेगा। परमेश्वर का वचन उस शैतान के विचारों को खत्म करेगा। हालेलुया। हालेलुया। So fill your mind with the bed of God. अपने दिमाग को परमेश्वर के वचनों से भर दो। Hallelujah. Hallelujah. Keep your relationship so pure. अपने रिश्ते को परमेश्वर के पवित्र रखिए। So I was talking with the pastor and the pastor was asking me, is it wrong to have girlfriend and boyfriend? मैं पास्टर से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था क्या ये सही है या सरल है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो? So how many of you have that question to ask me? Is it wrong according to the Bible to have just a girlfriend and just a boyfriend? आप में से कितनों के मन में सवाल उठता है कि एक गर्लफ्रेंड का होना या बॉयफ्रेंड का होना सही है या गलत है बाइबल के अनुसार? हाथ दें। ऐसे कितने हैं जिनके मन में सवाल उठता है? Only two people. आपको मालूम नहीं है हाँ नया सृष्टि हो गया ना ठीक है I want to tell you मैं आपको बताना चाहता हूँ we should have friends हमारे पास मित्र होने चाहिए we can speak to girls हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं the same way we speak to boys हम उसी तरीके से लड़कों से भी बात कर सकते हैं but the no need to share mobile number alone और उनके साथ लेकिन अपना फोन नंबर मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं है डेंजर ये खतरनाक है मिडनाइट मिस कॉल विल कम रात आधी रात को आपका मिस कॉल जरूर आएगा समझ गया समझ गया इफ प्रेजेंटली यू आर नॉट फेसिंग दिस स्ट्रगल आने वाले दिनों में मिस कॉल करने के लिए कोई लोग मोबाइल लेकर आएगा ये समय जाते रहो आप लोग भले ही समय ये परिस्थितियों को महसूस या अपने सामने नहीं कर रहे होंगे पर आने वाले समय में जरूर ये परिस्थिति आपके सामने आ सकती है एंड यू शुड नॉट हैव एनी पर्सन टॉक विद दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज ऑपोजिट ओके अगर आप लड़का है या लड़की है तो आप अपने पर्सनल बातें अपनी व्यक्तिगत बातें किसी लड़की किसी लड़के को और लड़के किसी लड़की के साथ शेयर ना करें बिकॉज मेनी गर्ल्स एंड बॉयज They start their girlfriend, boyfriend. They will start. We will have a casual friendship. Not it's शादी के लिए नहीं है. Simply we will keep a personal. बहुत से girlfriend और लड़के और लड़कियाँ इस तरह से एक चीज़ की शुरुआत करते हैं. किसी साधारण सी दोस्ती होगी. शादी वाली कोई बात नहीं. ये शुरुआती दौर होता है. We will not do any गलत. Simply we will speak. हम कुछ गलत नहीं करेंगे. सिर्फ बातें किया करेंगे. But speaking. पर बातें और बातों से इन द मिडनाइट मिस कॉल आल्सो रातों के मिस कॉल के बाद से अब मिस कॉल में वापस बुलाने के बाद आल्सो speaking और मिस कॉल में वापस बुलाने के बाद भी ये बातें होते रहती है देन लाइक दैट दिस थिंग विल कम यू कैन नॉट लीव लाइक दैट यू विल बिकम बाउंड टुगेदर उसके बाद ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीजें हो जाती है और आप इसे बंद जाते से बाहर नहीं निकल पाते then you will feel to marry her उसके बाद फिर आप उस आपको आदत पड़ जाती है उस व्यक्ति की if you जबरदस्ती marry और अगर आप उसकी शादी जबरदस्ती करेंगे after marriage you will feel to you like आपको शादी के बाद मन लगेगा कि आप उसे छोड़कर भाग जाएं हालेलुया हालेलुया so until your marriage be very so close to your mama अपने माता से ज्यादा करीब रहें everything that is happening in your life personal life your mama should know जो भी आपके व्यक्तिगत जीवन में होता है जो बात आपके हृदय में होती है आपकी माता को वह पता होनी चाहिए कितने लोगों के पास आपका मोबाइल नंबर है ये कार्य आपका मामा को बताना पड़ेगा जितने लोगों के पास आपका मोबाइल का नंबर है ये सारी बातें आपको अपनी मम्मी को बताना होगा हाँ जी बोलो
Hallelujah. Hallelujah. Because God has appointed Mama to protect you. परमेश्वर ने माता आपको दी है कि आपको एक सुरक्षा प्रदान करे. And another thing. और दूसरी बात. If you are planning for marriage. और अगर आप शादी की योजना बना रहे हैं. You should not try to find a partner. आप अपने लिए अपने जीवन साथी ढूंढने की कोशिश ना करें. Because if you find a partner, क्योंकि अगर आप अपने जीवन साथी ढूंढते हैं, when you speak with that person, जब आप उस व्यक्ति के साथ बातें करना शुरू करते हैं, if that person likes you, that person will not show his or her original character. वो पर्सन अगर आपको पसंद करेगा, तो अपने अंदर के असली मनुष्यत्व को आपके सामने प्रकट नहीं करेगा. Very sweetly, पंसारा डालकर, चीनी डालकर बात करेगा. वो बहुत ही मिठास लगा लगा के बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे बातें करेगा. शादी के बाद ओरिजिनल पर्सन और शादी के बाद उसका असली व्यक्ति तो सामने आएगा. हालेलुया हालेलुया. देन वी से यू सो बट इफ द पेरेंट्स आर स्पीकिंग विद द पर्सन फिर लेकिन अगर माता पिता उस व्यक्ति से बातें करते हैं देन स्पीक नॉर्मली तो वो उनके साथ सामान्य रूप से बातें करेगा. हालेलुया हालेलुया. सो be respectful to the parents. अपने माता पिता के साथ सम्मान से रहें. Speak everything to the parents. उनके साथ अपनी सारी बातें करें. Allow your parents to find your life partner for you according to the will of God. और अपने माता पिता को अपने लिए जीवन साथी चुने रहें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार. We will just read 3 Bible verses, then we will finish. Not for message. It's you have to write that word. Then every day you have to confess it. हम सिर्फ 3 बाइबल के पदों को पढ़ेंगे. ये प्रचार नहीं होगा. आप उन वचनों को लिख लीजिए और इन्हें पढ़िएगा. फर्स्ट कुरिन्थियंस पहला कुरिन्थियों थैंक यू जीसस चैप्टर 1 पहला अध्याय वर्स 8 उसका 8वां पद. पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 8वां पद. वो तुम्हें अंत तक दृढ़ता करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो. हालेलुया. फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 8. डिड यू राइट इट? क्या आपने लिखा इसे? पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 8वां पद. ये वचन बाइबल में देखा? ये वचन आपने देख लिया बाइबल में? जल्दी 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 से निकाले पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 8वां पद. ठीक है कितने लोगों को मिल गया? हाथ लगाइए. ओके रेडी 1 2 3 मिलकर पढ़िए जोर से. 1 2 3 बंधु में अंत तक दृढ़ करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो. हालेलुया हालेलुया. बट लॉर्ड इज सेइंग आई विल कीप यू. बट परमेश्वर तुमसे कहते हैं कि वो तुम्हें सेफ रखेंगे. इट्स अ प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड. ये परमेश्वर का एक वादा है. Every day you confess it and thank the Lord. Lord Jesus, you promise you will keep my life so holy and blameless until you are coming. हर दिन आपको ये बातों को दोहराना परमेश्वर के साथ कि आप मेरे जीवन को पवित्र रखेंगे और हमेशा मेरे साथ रहेंगे. Hallelujah. Hallelujah. How many of you are happy hearing this word? कितने लोग इस वचन को हृदय से सुनते हैं? Thank you, Jesus. Second Thessalonians. और दूसरा थिस्सलुनीकियों. First Thessalonians. पहला थिस्सलुनीकियों. Chapter 5. पांचवा अध्याय. Verse 23. उसका 23वां से लेकर. And 24. 23 और 24 पर. First Thessalonians. Chapter. Chapter 5. Verse 23 and 24. पहला थिस्सलुनीकियों. उसका 5वां अध्याय. 23वां और 24वां पर. कितने लोगों मिल गए हैं मुझे? मिल गया. ओके जोर से पढ़िए. रेडी 1 2 3 जोर से. हालेलुया. God is faithful and He will do it. परमेश्वर बहुत सारा विश्वास है वो ये करेगा. आमेन आमेन. अरे हैप्पी हियरिंग दिस वर्ड. कि आप प्रसन्न इस वचन को सुन करके आप तो आप आप ये हालेलुया.
word Jude. Jude words. Yehuda. Verse 24 and 25. Yehuda. Oh, Yehuda ka 24 par. Chapter 98, 7 verse. Usme ek hi par, ek hi adhyay hai. Yehuda ka 24 par. This verse says, God is able to keep you blameless in His presence. ये वचन कहता है कि परमेश्वर सामर्थ्य है आप सबों की उपस्थिति में किसी भी तरह से दोष मुक्त बनाए रखने में. You tell to each other, Jesus will keep you holy. एक दूसरे से कहिए कि प्रभु यीशु आपको पवित्र बना सके. Jesus will keep you holy. प्रभु यीशु आपको पवित्र रखेंगे. प्रभु यीशु आपको पवित्र रखेंगे. एक दूसरे से कहिए.